पर टोटल धमाल 50 करोड़ के लिए होगा फुल धमाल। सारंग को डेट पर लेकर जाने के लिए तैयार कार्तिक आर्यन, कई दिन की बात। उरी बनी 219 की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 100 करोड़ क्लब में की एंट्री। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई मल्टी स्टारर फिल्म टोटल धमाल का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म 22 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जॉनी लीवर, अर्शद वारसी। फिल्म का ट्रेलर बहुत ही मस्ती भरा है और इसमें कॉमेडी का भरपूर झोंक भी है। मुंबई सारा अली खान ने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया है। अपनी फिल्मों से ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बढ़ती है। इतने कम टाइम में ही सारा ने अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। हैदराबाद विक्की कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इन चंद फिल्मों में शामिल हो गई है जिनकी दूसरे वीकेंड में कमाई पहले वीकेंड के बराबर हो रही है। नई फिल्मों की रिलीज के बावजूद उरी दूसरे वीकेंड में भी दर्शकों की पहली पसंद बनी रही, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ के आसपास जमा कर 2019 की पहली 100 करोड़ जमा करने वाली फिल्म बन गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें हमारे चैनल को।